हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC आनंदा पे। LIC आनंदा एक ऐसा सोर्स है दोस्तों, जिसके मदद से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ना सिर्फ आप ही, इसके मदद से एजेंट्स भी अपना टाइम सेव कर सकते हैं। LIC आनंदा से अगर आपके एजेंट प्रपोजल रखते हैं, तो इसके मदद से लेस पेपर वर्क, यानी कि बहुत ही कम पेपर वर्क हो जाता है, जिसके थ्रू हम पेपर्स को सेव कर सकते हैं। और इसका डायरेक्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है दोस्तों, हमारे नेचर पे। दोस्तों, इसमें मेरा ये मानना है कि हमें भी इस चीज को आगे प्रमोट, आगे बढ़ावा देना चाहिए। LIC आनंदा में आपकी जो पॉलिसी है, वो आपके एजेंट ऑनलाइन करते हैं, जिसे हम ई पॉलिसी कहते हैं। सवाल यह है कि हमारा इसमें क्या योगदान है, हमें इसमें क्या करना होगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एज अ कस्टमर आपको इसके अंदर क्या करना होगा। दोस्तों, जब भी आपके एजेंट आनंदा के ऊपर अपना पॉलिसी रखते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनके सामने ये पेज ओपन होता है, जैसे ही वो आपका प्रपोजल की डिटेल भर देते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे व्यू प्रपोजल पे देख सकते हैं और पेमेंट के बटन पर प्रोसीड करते हैं। जैसे ही वो प्रोसीड करते हैं, उसके बाद में ऑप्शन आते हैं दो, एक आता है अटैच BOC और दूसरा होता है ऑनलाइन पेमेंट। अटैच BOC का जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपने अगर उनको ऑलरेडी पेमेंट दे दिया है वाया चेक और कैश, तो वो क्या करेंगे, एक BOC निकलवाएंगे, वो नंबर उनको यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आप देखना चाहते हैं BOC से पेमेंट कैसा होता है, तो मैं ऊपर आई मेन्यू में लिंक दे रहा हूँ। ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है दोस्तों, इसके अंदर आपके एजेंट ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही वो प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपके जो मेल आईडी है, उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन लिंक भेज दी जाती है आनंदा पोर्टल के थ्रू। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कि आपके जो जीमेल अकाउंट है, उसके ऊपर आपको LIC की तरफ से एक मेल आया होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, उस मेल को हम ओपन करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम हमारी मेल को ओपन कर देते हैं। जैसे ही हम हमारे मेल ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेल एक्सेस आईडी फॉर न्यू LIC पॉलिसी का। ये हमें LIC ऑनलाइन की तरफ से मिला है। यहाँ पे हम हमारा प्लान देख सकते हैं, हमारा सम श्योर देख सकते हैं, प्रीमियम पॉलिसी का टर्म देख सकते हैं और प्रीमियम पेइंग टर्म देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्लिक टू व्यू प्रपोजल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, उसके बाद में आप अपना प्रपोजल को यहाँ पे देख सकते हैं। व्यू PDF पे क्लिक करके एडिट के ऑप्शन पे आप एडिट कर सकते हो प्रपोजल में। हमें यहाँ पे प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद में क्या होता है, पेमेंट का डिटेल मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितना प्रीमियम भरना है, टोटल प्रीमियम कितना है GST के साथ। हमें यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके टिक बटन पर क्लिक करना है और प्रोसीड बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, इसके बाद में आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन वाले पेज पे आ जाते हैं। ट्रांजेक्शन का जो मेथड दोस्तों, वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM, इंटरनेट बैंकिंग, QR और UPI जैसे सोर्सेज से आप कर सकते हैं। UPI में सब कुछ इंक्लूडेड दोस्तों, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अभी की टाइम पे मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ, वो मैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे अपना कार्ड का नंबर डालना है। जैसे ही आप एंटर कर देते हैं, मेक पेमेंट पे क्लिक करें दोस्तों। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना वन टाइम पासवर्ड डालना है, जो भी आपके क्रेडिट कार्ड के साथ में लिंक हो, उसको यहाँ पे एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, आपके सामने एक मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा पेमेंट सक्सेसफुल, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और प्रपोजल का है वो प्रोसेसिंग है, मतलब अभी प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, आपको अपना ई साइन करना होगा। उसके लिए आपको रेड कलर का जो मैसेज दिख रहा है प्रपोजल ई साइन का, उसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आप ई साइन के पोर्टल पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं ई साइनिंग के लिए, और प्रोसीड फॉर ई साइन के अंदर हमें प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है दोस्तों। आप जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके बाद में क्या होगा, आप डिजिटल इंडिया की वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे ही दोस्तों आप डिजिटल इंडिया की वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको वर्चुअल आईडी जो है अपनी आधार की, वो एंटर करनी है। अगर आपको वर्चुअल आईडी नहीं पता है, तो मैं ऊपर आई मेनू दे रहा हूँ, वहां जाके आप देख सकते हैं।
यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपनी वर्चुअल आईडी एंटर कर देते हैं, इसके बाद में आपको गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपको अपने मोबाइल पे आए हुए ओटीपी को यहाँ डालना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद में आपके सामने एक मैसेज आएगा ई साइन के पोर्टल के थ्रू, उसमें यह शो किया होगा कि आपका जो ई साइनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और एजेंट को आगे मेल सेंड कर दिया गया है ACR के लिए। तो इसी के साथ साथ दोस्तों आपका जो प्रोसेस है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट रोल जो है वो फिर से एजेंट का आता है। अगर दोस्तों आपको हमारे चैनल से थोड़ी भी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल LIC वालों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।